नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, जिनमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूं एंड आई एम रियली आइंग देम, और कभी फ्यूचर में मैं उन्हें परचेज़ करना चाहूँगी। अगर आपको ऐसे मेकअप वीडियोज़ या मेकअप डिस्कशन वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या मेकअप ट्यूटोरियल्स आपको पसंद है, तो डेफिनेटली मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उन्हें जाकर देखिएगा। आई एम श्योर यू विल लव इट। और अगर अच्छी लग जाएँ वो वीडियोज़ तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो है एल्फ का हेलो ग्लू लिक्विड। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ इल्यूमिनेटर। मैं अभी एल्फ के वेबसाइट पे हूँ और वहाँ पे 8 शेड्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। और ये प्रोडक्ट शार्लेट अलब्री का फ्लॉलेस फिल्टर करके कुछ सिमिलर लाइंस पे एक इल्यूमिनेटिंग प्रोडक्ट है और उससे कंपेयर किया जाता है हमेशा। तो काफ़ी लोगों ने शार्लेट अलब्री वाले प्रोडक्ट को कहा है कि अच्छा है, काफ़ी लोगों ने कहा अच्छा नहीं है। शार्लेट अलब्री इन माई आइज़ काफ़ी अच्छा और हाई एंड ब्रांड है, काफ़ी प्राइसी होते हैं उसके प्रोडक्ट्स, तो मैं वहाँ से फ़िलहाल तो कुछ खरीदना नहीं चाहती। तो एल्फ का ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा ड्यूप माना जा रहा है, सो दैट इज़ वाई आई थिंक आई एम प्रीटी मच अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट। और इसके बारे में आपने कभी सुना है कि नहीं, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। शेड रेंज अच्छा है, 8 शेड्स हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ एट ऑल गेट टू सी इट इन यूएई आई विल पिक इट अप। वैसे एल्फ का कोई भी स्टोर यहाँ नहीं है जितना मुझे पता है, और ऑनलाइन भी देखने जाओ तो आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे कि एल्फ का कोई भी प्रोडक्ट आपको सही प्राइस पर मिल जाए। यू नो, यहाँ पे सब कुछ महंगा ही है एंड आई एम नॉट इवन एग्जेजरेटिंग। अभी जो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ ना, यू विल बी शॉक्ड अबाउट द प्राइस ऑन अमेजोन। एटलीस्ट आप इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ, बाय द वे, हाइड्रेटिंग कोर लिप शाइन बाय एल्फ। ये भी मेकअप बाय मरियो का एक लिप सीरम है, उससे कंपेयर किया जाता है। अमेज़ॉन पे इसका दाम 64 dirhams है, तकरीबन 1300 रुपये के आसपास, और प्लस शिपिंग चार्जेस हैं एक्सक्यूज़ मी। तो अगर आप उस चीज़ को देखें तो तकरीबन 100 dirham का पड़ रहा है। और मेकअप बाय मरियो का भी लिप बाम, लिप सीरम जो है, जो मेरे पास प्लम ग्लो में है, आई हैड परचेज्ड इट, वो 100 dirham का आता है, 95 dirham टू बी प्रिसाइज। तो इतना महंगा तो एल्फ ही मिलता है यहाँ, तो आप पता लगा लीजिए मेकअप बाय मरियो और एल्फ में कोई अंतर ही नहीं रहा प्राइस वाइज। सो दैट इज़ वाई आई जस्ट डोंट हैव एनी ऑप्शन ओवर हियर कि मैं रेडिली एल्फ ले लूँ, वो भी सही प्राइस पे। फॉर दैट मैटर, मैं इस हाइड्रेटिंग कोर लिप शाइन को ढूंढ रही थी और ब्यूटी बे पे समहाउ ये 24 dirham का है। अब ये हुई ना बात, ये रीजनेबल प्राइस है यू नो, और इस पर डिस्काउंट पड़ेगा तो और सस्ता मिलेगा। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज लुकिंग आउट फॉर। बाई चांस आज मुझे ये दिख गया ब्यूटी बे पे। सो इसमें भी 8 शेड्स हैं और ये जो सारे शेड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, न्यू शेड्स ज़्यादा नहीं हैं, रेड और पिंक के और या प्लम शेड जो है ये ज़्यादा झुकाव है इस शेड रेंज का, विच इज़ फाइन। काफ़ी लोगों ने इस लिप शाइन को अप्रिशिएट किया है। आई वुड लाइक टू enjoy the formula, क्योंकि सभी बोल रहे कि अच्छा formulation है, so I really want to love it. Let's see, जब भी मैं इसे purchase करूँगी तो मैं आपको definitely बताऊँगी कि ये कैसा है या मुझे कैसा feel हुआ इसे देख के या अपने lips पे apply करके। For your reference, मेरे lips जो हैं वो काफ़ी dry हैं, मेरे overall skin type भी dry ही है, lips जो हैं काफ़ी dry और chappy ही रहते हैं, so I just love shiny, हाइड्रेटिंग, दोज काइंड ऑफ लिप प्रोडक्ट्स। और आज मैं कह रही थी कि आज मैंने अपने लिप्स पर ये अप्लाई कर रखा है, ये अर्बन डिके का हिच हाइक लिपस्टिक है एंड दिस वन इज़ फ्रॉम मिलानी ल्यूडिक्रस लिप ग्लॉस इन द शेड वॉट एवर, एंड जस्ट लुक एट माई लिप्स, इट्स लुकिंग रियली गुड। और अगर आपने मेरी प्रोजेक्ट पैन सीरीज नहीं देखी है तो डेफिनेटली गो एंड वॉच इट, यू विल लव इट, आई एम रियली एन्जॉइंग इट। एंड देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं एटलीस्ट ये प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ कर लूँ, रखे रखे पुराने हो रहे हैं और मैंने यूज़ भी नहीं करती, और देखिए आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दैम अगैन। सो दैट्स दैट, एंड जस्ट इन केस यू वुड लाइक टू हैव अ लुक एट द शेड, आई लव दिस शेड। मैं बहुत समय पहले इसे यूज़ भी किया करती थी, आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना यूज़ कर रखा था, काफ़ी समय बाद मैंने इसे आज अप्लाई किया एंड आई एम रियली हैप्पी। और ये भी जो है ये भी बहुत अच्छा लिप ग्लॉस है, तो डेफिनेटली आप भी वो सारी वीडियोस जाके देखिए मेरे चैनल पर, यू विल लव इट। ओके, मूविंग ऑन, आई विल टॉक अबाउट रेवलॉन्स सुपर लश्रस ग्लास शाइन लिपस्टिक्स। भाई क्या है कि ऐसी ग्लास फिनिश या फिर
शाइनी लिपस्टिक्स जो है वो जब ट्रेंड में है, तो आई थिंक आई वॉज लाइक लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट, आई एम द लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट आई वुड से, क्योंकि पूरी दुनिया इसके पीछे पागल पागल है पूरी तरह आई वुड से. और आई विल नॉट डिनाय द फैक्ट रेवलॉन के लिप प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, मेरे पास ऑलरेडी उनकी कुछ लिपस्टिक्स हैं. लेकिन ये जो रेंज है सुपर लस्ट्रस ग्लास शाइन लिपस्टिक, इसका एज सच मेरे पास कुछ है नहीं. और इसके जो शेड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और लिप्स जो है काफ़ी लशियस लगने लगती हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एटलीस्ट पिक वन शेड फ्रॉम दिस. काफ़ी अच्छा फिनिश लग रहा है, टिकटॉक रील्स शॉर्ट्स सब पे वायरल जा चुका है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन दैट आई वुड लाइक टू ट्राई. बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न, द अदर रीज़न इज़ द मेन रीज़न इंडीड इज़ द शाइन. ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी लिपस्टिक है एंड आई लव दैट शाइन, सो आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई जस्ट फॉर दैट रीज़न एज वेल. मूविंग ऑन, वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट शाइन लाउड लिपस्टिक्स. इसका एक शेड मेरे पास ऑलरेडी है, लाइफ गोल्स इज द शेड दैट आई हैव. यू नो नमशी पे मैंने इसी रेंज का पिंक कलर का लिपस्टिक डाल रखा है. वो कभी 44 दिरहम का हो जाता है, कभी 47 दिरहम का हो जाता है, कभी 63 दिरहम का. एक्चुअली उसका प्राइस 63 दिरहम से है एंड आई हैव नॉट परचेज्ड इट. यू नो उसका रीज़न ये है कि मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, बट ये पर्टिकुलर जो लिपस्टिक है ना निक्स की शाइन लाउड रेंज, उसमें से जो मैंने लाइफ गोल्स लिया उसका जो लिप ग्लॉस वाला सिरा है, आई जस्ट लव इट. आई जस्ट शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सो दैट यू कैन हैव अ रेफरेंस. आप देख सकते हैं ये निक्स की शाइन लाउड लिपस्टिक है और ये है इन द शेड लाइफ गोल्स. काफ़ी अच्छी समर शेड है ये. और आप देख सकते हैं मैंने इसका कितना लिप ग्लॉस यूज़ किया है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. एंड ये लिपस्टिक अच्छी है, अगर आप लिप ग्लॉस अप्लाई करेंगे इस लिपस्टिक के ऊपर सो इट विल बी मोर वेयरेबल. तो इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है एंड टू बी स्पेसिफिक आई लव दिस ग्लॉस. सो इसलिए मैं चाहती थी कि पिंक शेड में भी लूँ एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव पुट दिस पर्टिकुलर लिप प्रोडक्ट इन दिस वीडियो. आई एम आइंग बट आई एम नॉट बाइंग, आई रियली वॉन्ट टू. आई डोंट नो 63 दिरहम इज टू मच फॉर दिस लिपस्टिक इन माई आईज. निक्स देखो आपने सुना होगा निक्स इज ड्रग स्टोर, निक्स इज ड्रग स्टोर. 1300 की लिपस्टिक आ रही है और मैक की लिपस्टिक भी 2000 में आती है, इतना ज़्यादा क्या है भाई. आई डोंट नो वट इज़ इट बट आई थिंक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गेटिंग कॉस्टलियर. ओके मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मेबलीज लिप ग्लॉस, लिफ्टर लिप ग्लॉस. मेरे पास स्टोन शेड में ऑलरेडी लिप ग्लॉस है जो मैंने आपको अपनी प्रोजेक्ट पैन के लिप ग्लॉस वाले सीरीज में भी दिखाया था कि उसके अंदर मैं ये मेबलिन का लिफ्टर ग्लॉस यूज़ करना चाहती हूँ. काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है. अगर आप कोई लिपस्टिक भी ना अप्लाई करें और सिर्फ वो लिप ग्लॉस भी अपने लिप्स पर अप्लाई करें, यू विल बी गुड टू गो. तो ये एक रीज़न है, शेड अच्छा है. सो इस कलेक्शन से मैं पेटल शेड बहुत समय से टिकटॉक रील्स और शॉर्ट्स पे देख रही हूँ. इनफैक्ट मैंने नामशी पे और दूसरी जगह पे देखा भी है, तो ये तकरीबन 40 दिरहम का आ रहा है, 800 रुपए का. एंड आई जस्ट स्टेप बैक, मेबलिन इन इंडिया इज़ रियली वेरी अफोर्डेबल. 200-300 में आपको अच्छी लिपस्टिक्स मिल जाएंगी एंड यू विल गेट डिस्काउंट्स एज वेल. 800 for that gloss is too much for Maybelline in my eyes and I think that is just keeping me away from purchasing this particular product. And I don't know when will I be able to purchase it, but let's see. Petal shade gulabi color ka shade hai, love that shade and I really wanted to use that gloss, but sach kahun to mere paas us color ka dusra gloss bhi hai. I don't know, I'm just attracted towards it and let's see. मैं कभी इसे परचेज करना चाहूँगी कि नहीं फ्यूचर में, बट एट प्रेजेंट इफ़ यू आस्क मी येस आई वॉन्ट टू बाई इट बट आई एम नॉट बाइंग इट जस्ट फॉर द प्राइस पॉइंट. आई थिंक दैट इज़ द वन विच इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम परचेजिंग इट. मूविंग ऑन, मेबलिन की ही बात करती हूँ मैं. मेबलिन का सुपरस्टे मैट इंक लिपस्टिक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली सुपरस्टे विनाइल मैट इंक लिपस्टिक्स निकाली. एक्सक्यूज मी, तो वो निकालने के बाद वो वायरल ही हो गए, हर जगह हर लड़कियां बस उसे शेक कर रही हैं, अप्लाई कर रही हैं लिप्स पे. मैंने भी उसमें से एक शेड ख़रीदा था इंडिया पे, इंडिया पर नायका की वेबसाइट है या ऐप है, वहाँ से कॉय शेड में. आई लव दैट शेड, आई लव द फॉर्मूला ऑल्सो. मैनी पीपल जस्ट हैबिट इट अप सेइंग दैट इट्स गुड बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमूव. दैट वॉज नॉट द केस. मैंने गार्नियर का ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ किया, ऐसे एकदम से निकल गया वो लिप प्रोडक्ट मेरी लिप्स से. तो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस एंड आई थिंक दैट हैज़ इनक्रेज मी टू पिक दिस पर्टिकुलर शेड एज वेल. अनराइवल्ड करके उनके शेड रेंज में ये पर्टिकुलर शेड है.
डीप रेड विथ ब्लू अंडरटोन्स है और उसमें हल्का सा हिंट ऑफ पिंक भी है. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द स्वॉचेस, बहुत अच्छा लगा मुझे ये शेड. सो प्रोबेबली इन फ्यूचर आई विल परचेज दैट पर्टिकुलर शेड फ्रॉम दिस रेंज. मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट रेयर ब्यूटी. तो लिपस्टिक मैंने रेयर ब्यूटी की एक्चुअली लिप किट खरीदी है सेफोरा से, 115 dirham की. काफ़ी कॉस्टली लगी मुझे, पर मैं चाहती हूँ कि मैं लिपस्टिक इन द शेड वाइस परचेज करूँ. इट्स अ ब्राउन टोन लिपस्टिक एंड आई थिंक इट विल सूट माय मीडियम स्किन टोन. इट माइट बी अ गुड न्यूड फॉर मी. आई हैव सीन द शेड इन स्टोर, आई वाज जस्ट वॉचिंग द अदर शेड्स. पहले तो जब मैंने इस कलेक्शन को देखा तो मुझे लगा कि मेरे स्किन टोन को समा वॉश आउट कर देगी, सूट नहीं करेगी, वट एवर लिप शेड्स वर देयर. बट देन व्हेन आई यूज्ड हम्बल आई वाज लाइक ओके फाइन, इट्स ब्राइट पिंक एंड आई कैन मेक इट वर्क. बट वाइस के साथ मेक इट वर्क वाला सीन नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे स्किन टोन को एक्चुअली जब मैं लिप्स पे अप्लाई करूँगी तो कंसीलर लिप्स नहीं लगेगा. बिकॉज व्हाइल आई वाज एट स्टोर आई स्वॉच दैट एंड हियर एट द बैक ऑफ माय हैंड एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, आई थिंक इट विल वर्क फॉर मी. तो मैं इसलिए उस शेड को पिक करना चाहती हूँ. मूविंग ऑन, हुडा ब्यूटी ने अभी एक हफ्ते पहले, आई थिंक फ्यू डेज बैक इन फैक्ट, उन्होंने अनाउंस किया कि वो लिपस्टिक ट्रियो का किट रिलीज कर चुके हैं. इट्स ऑलरेडी ऑन देयर वेबसाइट. उसके अंदर आइकन है और बॉम्बशेल है, ये दो शेड्स वेरियंट्स हैं. एंड उसमें तीन चीज़ें मिलेंगी, लिप लाइनर, लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लिप ग्लॉस इज देयर, बुलेट लिपस्टिक थी, लिप लाइनर था एंड आई थिंक लिक्विड लिपस्टिक है. हाँ राइट. सो वट एवर इट इज़, द थिंग इज दिस इज़ वॉट दे हैड रिलीज एंड आई थिंक मेरा झुकाव जो है वो आइकन की तरफ है. आइकन बॉम्बशेल एंड आइकन, तो बॉम्बशेल जो है वो पर से यू नो म्यूटेड ब्राउन की तरफ झुकाव है उसका. आइकन इज म्यूटेड, इट यूज टू बी म्यूटेड रस्ट, नाउ द रीफॉर्मुलेटेड, व्हाट इज हैपनिंग, द रीफॉर्मुलेटेड लिपस्टिक इज ऑफ पिंक शेड. तो वो पिंक शेड की जो लिपस्टिक है इट इज़ गुड. आई हैव बोथ द आइकन वेरियंट्स. तो जो कुछ भी है, आई वुड लाइक टू परचेज दिस ट्रियो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई लव हुडा ब्यूटीज मिनी लिपस्टिक्स. आई लव इट क्योंकि मुझे ट्रैवल फ्रेंडली लगती है वो पैकेजिंग, और ऑन द गो आप रहते तो आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं. यू विल नॉट फील ऑकवर्ड इतना बड़ा एक लिक्विड लिपस्टिक निकाल के यू आर पुटिंग ऑन. सो आई डोंट नो, दैट्स जस्ट हाउ आई फील एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट आई विल परचेज दिस वन. आई एम नॉट गोइंग टू पास दिस वन. ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं. एंड आई रियली होप कि इंडिया में नायका पे एटलीस्ट ये अवेलेबल हो. इसका प्राइस पॉइंट समवेयर आई होप 150 के अंदर हो, 150 dirham के अंदर. आई नो इट इज़ स्टिल कॉस्टली बट यू गेटिंग 3 प्रोडक्ट्स, सो लेट्स सी. और सेल पे लो यार, सेल पे नायका पे, तो सेल पे यू कैन गेट इट एट अ रीजनेबल प्राइस आप से. सो कीप एन आई आउट फॉर दैट. मूविंग ऑन, रेयर ब्लश इन द शेड एनकरेज. ओ माई गॉड, वेयर शैल आई इवन बिगिन. रेयर ब्यूटी एज अ ब्रांड मुझे लगता है बहुत समय लग गया ऐसा कुछ मुझे अट्रैक्ट करे रेयर ब्यूटी से. इसमें यू नो मुझे रेयर ब्यूटी के ब्लश जो है ऑनलाइन देख कर बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने रेयर ब्यूटी का हैप्पी ब्लश जो है वो ख़रीदा, लिक्विड ब्लश. आई एब्सोल्युटली एंजॉय यूजिंग इट. इतना सा लगाओ एंड इट विल जस्ट बी सफिशिएंट फॉर यू इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक अ क्लाउन. सो दैट्स हाउ इट इज़. एंड मैं शेड एनकरेज को डेफिनेटली पिक करना चाहती हूँ. आई लव दैट शेड एंड आई रियली फील कि वो मेरी स्किन टोन को या मीडियम स्किन टोन्स को अच्छे से सूट करेगा. एंड रेयर ब्यूटी के ब्लशेस जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं. बहुत सारे लोगों का वो जो क्रीम ब्लशर है उसको लेके अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, पर मुझे लगता है ये रेयर ब्यूटी के जो लिक्विड ब्लशेस हैं उसको लेके तो वाकई सब बहुत खुश हैं, यू नो. और इसकी जो शेड रेंज है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. सेफोरा पे, एटलीस्ट यूएई में सेफोरा पे ये अवेलेबल है इजीली. दुकान पे मैं जब भी जाती हूँ, आई मीन आई गो टू सेफोरा स्टोर, वहाँ पे मुझे ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक दिखता है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट. और $20 का ये ब्लश है, मीडियम डार्क पिंक विथ वार्मर अंडर टोन्स एंड सॉफ्ट यूवी फिनिश. ड्यूए कहाँ तक है ये तो नहीं बता सकती, बट मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ ये 2,200 rupees का ब्लश है. एंड आई डोंट नो, प्रोबेबली आई परचेज इट. सिर्फ 4 rupees कभी यहाँ पे सेल नहीं लगती रेयर ब्यूटी पे, एटलीस्ट
मैं गलत भी हो सकती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ सफोरा की वेबसाइट पे ऑनलाइन ही सेल ज़्यादा दिखती है मुझे, शॉप पे तो बहुत कम समझ आता है मुझे कि सेल लगी है, और जाती हूँ शॉप पे तो वैसे ही इतनी भीड़ लगी रहती है सफोरा पे पागलों की तरह। सो यू जस्ट बेटर शॉप ऑनलाइन, तो दैट्स दैट। एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन रेयर ब्यूटीज़, दिस पर्टिकुलर ब्लश शेड, बिकॉज आई रियली फील दैट इट विल सूट माई स्किन टोन, फॉर्मुलेशन आई एम वेल अवेयर कि वो अच्छा ही है। ओके, मूविंग ऑन, मैक ने पिछले साल हॉलीडे सीजन में एक लिपस्टिक रेंज निकाला था फॉर हॉलीडेज, एटलीस्ट 3-4 शेड्स थे उसमें, और उसमें एक शेड था दिस इज़ एक्सपेंसिव, और वॉट इज़ द शेड नेम जस्ट लेट मी चेक। उसको ना मैंने कब से अपने अपने ब्राउज़र पे खोल के रखा हुआ है, एंड आई एम लाइक कब जाएगा सेल पे यार, यू नो वाई? एंड इट्स मीन क्लोज टू अ मंथ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि वो लिपस्टिक 125 दिरहम्स की है, या तकरीबन 2,300 रुपये की, एंड आई नो फॉर मैक दैट इज़ प्रिटी फाइन एज फार एज पॉइंट प्राइस पॉइंट इज कंसर्न। ओके, इट इज़ लस्टर ग्लास शर शाइन लिपस्टिक बबल्स एंड बार्स कलेक्शन, दीज लिप्स आर एक्सपेंसिव बॉस, दिस लिपस्टिक इज़ रियली एक्सपेंसिव इन माई आईज, बिकॉज मैक की ये जो बुलेट लिपस्टिक्स है वो आपको 60-70 दिन में आराम से मिल जाएगी सेल पे, एंड नोइंग दैट फैक्ट आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ वाइज डिसीजन टू पे 125 दिरहम्स फॉर दिस, सो आई विल वेट फॉर द सेल, एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ मंथ। आई वॉज लाइक पिछले साल मैक ने अपने हॉलीडे कलेक्शन को निकाला था और 29-30 दिसंबर के आसपास सेल पे भी लगा दिया था, बट दिस टाइम दे हैव नॉट डन इट। आई थिंक दे आर प्रिटी फर्म अबाउट द प्राइस पॉइंट एंड दे आर गोइंग टू लेट इट बी लाइक दिस। आई डोंट नो, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल भी चल रहा है, पर स्टिल आई डोंट सी दैट दे आर गोइंग टू, एटलीस्ट देखो अभी 10 दिन निकल गए हैं जनवरी के 20 साल के, एंड दे हैव स्टिल नॉट सेट दैट ये सेल पे लगेगा, एंड सेल लगेगी वापस से इस पर, एंड ऑफर लगेगा। सेल लगी थी 40% ऑफ ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, आई एम सॉरी, एंड उसके बाद वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे थी, इस पर नहीं थी। आई वॉज होपिंग कि इस पर भी पड़े यार। सो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं मैक के, एंड आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, बट आई रियली वॉन्ट टू हैव दिस ऑल्सो, क्योंकि ये अकेला रह जाएगा अगर इस लिपस्टिक को मैंने परचेज किया तो। प्रॉब्ली आई थिंक अबाउट इट, आई एल थिंक अगेन कि क्या करना है, विल सी, बट द थिंग इज़ आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस शेड। लेट मी रीड आउट ऑन मैक्स वेबसाइट, वॉर्म ब्रिक ऑरेंज, आई हैड स्वॉट्ड इट व्हाइल आई वॉज एट द स्टोर, इट इज़ अ रियली गुड शेड, मोर देन दैट आई थिंक आई लाइक द फॉर्मुलेशन, काफ़ी शाइनी लिपस्टिक है, एंड इसके बारे में लिखा है लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक दैट डिलीवर्स श्योर एंड शाइनी कलर, विच इज़ वेरी ट्रू, विद अ लॉन्ग वेयरिंग लस्ट्रस फिनिश इन हॉलीडे एक्सक्लूसिव शेड्स। नो आई डोंट थिंक सो कि लॉन्ग वेयरिंग होगा, कोई भी शाइनी लिपस्टिक लॉन्ग वेयरिंग हो जाए बहुत बड़ी बात है, आई डाउट इट। मैं बोलती बहुत हूँ, सो आई डोंट थिंक सो इट स्टैंड्स ट्रू फॉर मी, मैं तो खा जाती हूँ अपनी लिपस्टिक्स, कैन यू रिलेट, जस्ट लेट मी नो, एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो यू नो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लॉरा मर्सियर पाउडर, लॉरा मर्सियर एज अ ब्रांड, अगेन आई डोंट सी एनी थिंग यू नो कुछ ऐसा दिख जाए कि हाय क्या है, जैसे रेयर ब्यूटी के बारे में मैं बात करती रहती हूँ इन दिनों एटलीस्ट, तो लॉरा मर्सियर का ये पाउडर काफ़ी हाइप्ड है, और मुझे पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करना अच्छा लगता है, जब से मैंने मोफे का बनाना पाउडर एंड मेबलिन का फिट मी पाउडर यूज़ किया है, आई एम वेरी जेन्युइन ओवर योर एटलीस्ट एज फार एज दिस इज़ कंसर्न। तो लॉरा मर्सियर का पाउडर मैं ट्राई करना चाहती हूँ, इसलिए ट्रेवल साइज जो है वो मैं शुरू से आई कर रही हूँ, सफोरा पे कार्ट में डालती हूँ हटा देती हूँ, क्योंकि 95 दिरहम्स का है, इट्स टू कॉस्टली 2,000, बट प्रॉब्ली फॉर द सेक ऑफ क्वालिटी एंड ब्रांड्स रेपो दे हैव प्राइज्ड इट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, सो प्रॉब्ली दैट इज़ द रीज़न, एंड ट्रांसलूसेंट, और आई थिंक रिसेंटली उन्होंने बनाना और पता नहीं कौन से शेड्स भी निकाले थे। लेट्स सी, लॉरा मर्सियर एज अ ब्रांड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट इन दिस पाउडर आई एम प्रेटी मच इंट्रीग टू ट्राई इट आउट, एंड दैट इज़ द रीज़न इट्स इन दिस लिस्ट। लेट्स मूव ऑन, विल टॉक अबाउट पैट्रिक टा। पैट्रिक टा इज़ अ रियली गुड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई वुड से, एंड मेकअप आर्टिस्ट, एंड ही हैज़ हिज ओन ब्रांड, एवरी वन रेव्स अबाउट हिज ब्रांड, लिप प्रोडक्ट्स हों या फिर आई शेडो पैलेट्स हों। उन्होंने अभी रिसेंटली रोज डिमेंशन 2 करके निकाला आई शेडो पैलेट, आई एम प्रिटी इंटरेस्टेड इन दैट। ऊपर के पूरे रोज में शिमरी शेड्स हैं जो कि स्वॉच मैंने देखे हैं, एंड आई वॉज माइंड बॉगल्ड, अमेजिंग शेड रेंज, काफ़ी न्यूट्रल होते हुए भी काफ़ी फटैंग है,
आई होप यू गेट इट। एंड नीचे वाला जो शेड है, शेड रेंज है पैलेट का, वो काफ़ी न्यूट्रल है, सो डेली लुक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बट इट्स अ वेरी कॉस्टली पैलेट, 6,000 का पैलेट है, सेल पे डेफिनेटली यू कैन पिकअप। सो आई एम आइंग दैट। लिप ग्लॉसेस और लिप प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं बट यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, मुझे बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। सो आई सी कि कब ऐसा कर पाती हूँ मैं। बट टू बी ऑनेस्ट, येस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांड बट नॉट मच। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ये जो ब्रांड्स हैं आसानी से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट मेरी समझ में या मेरी नॉलेज में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इन ब्रांड्स के बारे में सुना है और यूएई में आपको इजीली इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। मूविंग ऑन, आई टॉक अबाउट शार्लेट टलब्रीज ब्लश। इनका एक ब्लश है जो भाई, शार्लेट टलब्री तो इतना महंगा ब्रांड है, आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर डू आई स्टैंड। मतलब मैं हाई एंड इतना ज़्यादा है कि मैं उसको ख़रीदना नहीं चाहती, और ये इतना सुंदर दिखता है कि मैं उसको खरीद बने रहना नहीं चाहती। भाई बताओ, मैं पागल हो गई मुझे लगता है। एंड दैट टू फॉर मेकअप, इट्स क्रेजी राइट। आई होप इफ यू आर अ मेकअप लवर यू कैन ऑल्सो रिलेट। तो शार्लेट टलब्री का ये पिंक कलर का जो ब्लश है, आई लव इट एंड आई वॉज आइंग इट फॉर सो लॉन्ग। एंड इट्स अ प्रिटी पिंक ब्लश, द वे इट इज़ पैंड, आई लाइक इट कि बाहर भी पिंक है और अंदर भी पिंक है, एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक आ रहे हैं। आई लव दिस ब्लश। एंड आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको शार्लेट टलब्री का सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है। यार काफ़ी लोग शार्लेट टलब्री के प्रोडक्ट्स को अच्छा बोलते हैं, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं प्रीवियसली, सो यू विल गेट टू नो। आई डोंट थिंक सो एस अ ब्रांड इट इम्प्रेस मी एवर, इट इज़ टू प्राइसी। और उनका आई शेड क्वाड मिल गया था आई थिंक 5,000 रुपये का, इट वॉज सच अ वेस्टेज ऑफ मनी, पिगमेंटेशन वॉज नॉट देयर। उससे अच्छा तो अपना वेट एंड वाइल्ड है, जस्ट सी वॉट आई एम सेइंग। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट इन टू शार्लेट टलब्री। एंड दिस पर्टिकुलर ब्लशर विच इज़ अ चीक टू शीक ब्लशर इन दैट पिंक शेड, आई एम प्रेटी मच इन टू इट बिकॉज आई फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कॉस्टली है और काफ़ी यूनिक लगा मुझे ये ब्लश, जिस तरीके से ये है एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। एंड आई लव द आइडिया ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ ब्लश, के अंदर डीप पिंक है, बाहर लाइट पिंक है, एंड इट लुक्स सो कूल आई विल से। एंड आप मुझे एकदम कमेंट करके जल्द से बताओ कि आपने कभी इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है कि नहीं, या फिर यू गॉट टू नो थ्रू मी, आई वुड लव टू हियर दैट। मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट से ब्यूटी। से ब्यूटी, आई डोंट नो, मुझे भी ऑनलाइन ही पता चला है ऐसा भी कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि से के ब्लशेज और हाईलाइट काफ़ी वायरल जा रहे हैं। एंड आई डोंट नो, आई एम येट टू रिसर्च मोर अबाउट दिस ब्रांड। बट कमिंग टू द ब्लश पार्ट ऑफ इट, इसमें 5-6 शेड्स मुझे दिखे कल ब्यूटी पे, एंड आई कुड सी दैट इट इज़ अवेलेबल। एटलीस्ट 1-2 हफ्ते पहले देखा तब तो अवेलेबल ही था, लेकिन इस ब्रांड के मैंने फिर स्वॉचेस देखे कुछ लोगों के हॉल वीडियो में, तो ये ब्लश जो है काफ़ी अच्छा लगा, पर इट्स नॉट एन अफोर्डेबल ब्रांड आई वुड से, बिकॉज ब्लशर ही इनका 100 दिरहम के आसपास का है। सो दैट इज़ 2,000 फॉर अ ब्लशर, सो यू कैन सी दैट इट्स नॉट अफोर्डेबली प्राइस, इट्स प्रीटी हाई एंड आई वुड से, लीनिंग टूवर्ड्स हाई एंड। तो क्योंकि इसका फॉर्मुलेशन और ड्यूइनेस पिगमेंटेशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये परचेज़ करना है, बट इट इज़ टू कॉस्टली, लेट मी वेट फॉर सेल। आई डोंट नो वाई आई डेंट प्लेस एनी ऑर्डर ऑफ कलर ब्यूटी व्हेन ब्लैक फ्राइडे सेल वॉज गोइंग ऑन, प्रॉब्ली आई वॉज, आई टेल यू द रीज़न, इट इज़ ऑल अबाउट कस्टमर्स। यू नो, मैं जब भी कलर पॉप से ऑर्डर करती हूँ या फिर ब्यूटी वे तक से ऑर्डर किया है मैंने, आई पेड लॉट्स ऑफ कस्टम्स, सो आई जस्ट डेंट वॉन्ट टू फील लाइक दैट वेन यू पे हेफ्टी कस्टम्स फॉर वट एवर यू हैव परचेज एंड यू जस्ट पेड पे द कस्टम, पेइंग द कस्टम्स आई जस्ट डोंट फील गुड। एंड आई थिंक आई शुड बाई नो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इफ यू आर परचेजिंग समथिंग एंड इट इज़ बींग इम्पोर्टेड हियर, देन यू आर बाउंड टू पे कस्टम्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स। आई हैव नॉट कम टू टर्म्स टू इट एज येट, सो वील टॉक अबाउट इट सम अदर डे, बट या दैट इज़ द मेन रीज़न आई होल्ड माई सेल्फ बैक फ्रॉम ऑर्डरिंग फ्रॉम दीज इंटरनेशनल वेबसाइट्स एनी मोर।
टार्ट से मैंने किया था, बट दे हैव नॉट आस्ड फॉर कस्टम्स समहाउ. आई वॉज सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई डिड इट ड्यूरिंग टार्ट्स ब्लैक फ्राइडे सेल. मैंने टार्ट का हॉल वीडियो भी अपने चैनल पे डाला है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाकर देखना यार, यू विल इन्जॉय इट. आफ्टर 5 ईयर्स आई डिड दैट हॉल. सोचो कस्टम्स का कितना मेरे अंदर है कि कस्टम पे करने का. ऐसा कुछ नहीं है कि पे करने की औकात नहीं है, बात यह है कि हेफ्टी अमाउंट होता है और वो भी मेकअप के लिए. आप इतने सारे पैसे ऑलरेडी डाल के मेकअप खरीद रहा हूँ, उस पर और पैसे देने हैं. आई थिंक दैट पिंचेस मी. एनी वेज, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लास्ट टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम टार 28. दैट इज ऑल्सो कॉस्मेटिक ब्रांड विच हैज़ गॉन वायरल बिकॉज ऑफ द ब्लशेस एंड जेली लिप ग्लॉसेस. तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे. आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट्स द हाइप अबाउट. एज अ मेकअप लवर, येस आई थिंक आई हैव राइट ऑफ परचेजिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ट्राई आउट माई सेल्फ एंड देन आई कैन शेयर माई ऑनेस्ट ओपिनियन एंड थाट्स अबाउट दीज प्रोडक्ट्स विथ यू. तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी, राइट? सो दैट इज द रीज़न आई एम प्रिटी मच इंटरेस्टेड इन टार 28 लिप जेली. 4 शेड्स हैं इसमें. आई थिंक मुझे कैश्यू शेड अच्छा लगा था, कैश्यू कोकोनट आलमंड और एक और कोई शेड था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द नेम, बट या वो जो याद नहीं आ रहा वो लाइटर शेड था, पर मुझे कैश्यू में इंटरेस्ट है क्योंकि वो ब्राउन कलर का शेड है, म्यूटेड ब्राउन टाइप्स. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इट समडे. एंड टार 28 का ब्लश, उसका भी रेंज, ब्लश रेंज डिसेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ 5-6 शेड्स है इफ़ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन. तो वो जो शेड्स हैं, आई एम इंटरेस्टेड अगेन, इट्स नॉट अवेलेबल इन यूए रेडिली एंड वी सी. एक एक्चुअली कल्ट ब्यूटी पे तो 2000 रुपये का, 2100 रुपये का पड़ रहा है. इसमें मुझे 6 शेड्स दिख रहे हैं एंड शेड नेम्स आर लाइक आफ्टर आर, गोल्डन आर, हैप्पी आर, मैजिक आर, पावर आर, रश आर, आई डोंट नो व्हाट इज़ अप विद दैट. सो and I don't know much about the brand, but this has gone viral. I really would like to have a look at the blushes and I would like to play with these products from Tower 28, or main apna opinion khud form karna chahti hu. That is why I have included these two products in this list. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें. इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.